अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बना रहे शामी कबाब। तो उसके लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त लिया है, बकरे का है ये, और इसके साथ में ये 1.5 कप चने की दाल है जिसे मैंने धो लिया लेकिन भिगोई नहीं है, बस अभी धोई है मैंने, तो इसको डाल देती हूँ। इसके अंदर दाल को हमें भिगोना नहीं है, जैसे ही हमें दाल बनाना है वैसे ही देना है। 4 हरी मिर्चें डाल दूँगी, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है और ये 2 गांठ लहसुन है सब। अब इसमें डालेंगे हम दालचीनी, जावित्री, 4 लौंग, 5 इलायची, आधा चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ा धनिया, लेकिन ये इसमें नहीं डालेंगे, ये हम मिक्सर में डायरेक्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसको चला लेंगे, नहीं तो है ना खड़े गरम मसाले बाद में ना मिक्सी में चलते नहीं है जब हम कीमे को चलाएंगे तो। चलिए देखिए ये हमारा मसाला थोड़ा दरदरा सा है लेकिन चलेगा, क्योंकि अब बाद में भी हम इसको पकाएंगे तो ये नरम हो जाएगा। ये मसाला डाल दिया पूरा हमने, हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, कीमा है और चने की दाल है। अब हम इसे पकाना है तो हम इसमें पानी डालेंगे, देखते कितना और चने की दाल ऐसे डूब जाए इतना ही पानी डालेंगे, क्योंकि ये पानी ना फिर अगर नहीं पानी टूटा ना तो हमको पका पका के तोड़ना पड़ता है, इसलिए ये टाइम पे ठीक ठीक पानी डालिए। ज्यादा भी डाल देने का फिर वो पानी ऊपर आता है, कुकर से बाहर निकलता है, सारा मसाला खराब होता है, इसलिए हिसाब से ही पानी डालिए। चलिए हम इसको बंद करते हैं, इसको 4 सीटी लगा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं गला है कि नहीं गला। चलिए देखिए 4 सीटी लेनी थी लेकिन मैंने इसकी 6 सीटी ली है क्योंकि ये गला नहीं था, 2 सीटी और ली। अब ये देखिए एकदम अच्छे से गल गया है। अब इसे पका पका के इसका पानी खत्म करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ना मिर्ची एकदम कम है तो थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा है ना इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये हमने पहले इसलिए नहीं डाला, बाद में पकाना होता है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा मोड़ा पानी रहता है, इसकी भुनाई तो करनी ही पड़ती है, बाद इसकी भुनाई भी हो जाएगी और ये पूरा पानी खत्म करके फिर आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम हरी चटनी बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कांदा, मतलब 1 छोटा कांदा ही लिया है, और टमाटर लेंगे, तो टमाटर तो बहुत बड़ा है तो मैं इसमें आधा ही डालूंगी। टमाटर अच्छा लाल देख के लीजिए आप। अब हम इसमें डालेंगे आधा कोथमीर आधा पुदीना, मतलब 1 कप कोथमीर और आधा कप पुदीना डालेंगे। ये देखिए कोथमीर पुदीना डाल दिए, 2 हरी मिर्ची डाल के हम ये पीसते हैं। ये देखिए हमने पीस ली हरी चटनी, ये देखिए हरी चटनी पीस गई हमारी, और इधर ये भी सूख रहा है, इसके अंदर जो भी पानी होगा ना वो टाइम ऐसे पकाएंगे ना तो सूखेगा, और ऐसे पका लेते हैं। चलिए अब चटनी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, काली मिर्ची जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच, और नींबू का रस डालेंगे। इससे नींबू के रस से क्या होगा ना हमारी जो चटनी है ना वो ग्रीन ही रहेगी, फ्रिज में भी रखेंगे ना 2-3 दिन तो भी एक अच्छी सी ग्रीन रहेगी। और मेरा कहना है चटनी को आप ज़्यादा फ्रिज में मत रखिए, 2-3 दिन की ही पीसिए, ज़्यादा 8-8 दिन 10-10 दिन की मत पीसिए, क्योंकि पुदीना और कोथमीर है ना काला पड़ता है तो ये फिर काला अच्छा नहीं है आपके लिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे, नमक भी डाल देंगे, थिकनेस आप चेक कर लीजिए आपको कितनी जाड़ी चटनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी ना रनी चाहिए क्योंकि मैंने ना वो बनाया इसके साथ कबाब पाव के साथ, थोड़ा पाव में लगाएंगे, टेस्ट कर लेते हैं। मसाला चटनी बहुत अच्छी बनी है, अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए ये हमारा एकदम अच्छे से भून गया है, इसका पानी वगैरह सब सूख गया है, अब इसे ठंडा करते हैं फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे।
चलिए अब हम बना रहे डिटॉक्स वाटर। मतलब ये कैसा है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, मेरी तबीयत थोड़ी लो फील हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया ना, एक नींबू पानी बनाया और इतने पुदीने को क्रश कर लिया है। ये देखिए इतना पुदीने को क्रश कर लिया है, ये देखिए अच्छे से। अब इसके अंदर नींबू पानी डालेंगे, कभी भी मुझे लो फील होता है ना तो मैं यही बनाती हूँ, बहुत सारा पुदीना और नींबू पानी पीजिए, आपको एकदम फ्रेश अचानक से ऐसा लगेगा आप बहुत फ्रेश हो गए। चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, फिर मिलते हैं। चलिए देखिए ये हमारा पूरा अच्छा से मैंने मिक्सर में बारीक कर लिया, और चका तो इसमें नमक कम था तो मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर और वही भुना जीरा और काली मिर्ची का पाउडर, और साथ में डालेंगे थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा चलिए अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसके पहले इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, ये दो बड़ी प्याज है, कच्ची प्याज अच्छे से डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है कोथमीर बारीक कटा हुआ, और ये है बारीक कटा हुआ पुदीना, मैंने पहले ही इसे अच्छे से धो के काट के रख दिया था, जब डालने का वक्त आएगा फटाफट डाल देंगे। अब इसमें दो हरी मिर्ची आप काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला डाल दिया है, फिर हरी चटनी है और बच्चे खाएंगे, इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें हरी मिर्ची काट के डालिए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सोच रही मैं एक तो डाल दूँ, देखते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये एक हरी मिर्ची हमने एकदम बारीक काटी, क्योंकि फीका लग रहा था, मिर्ची कम लग रही, और हरी मिर्ची डालने से ना एक फ्रेशनेस भी आ जाती है। चलिए अभी इसे अच्छे से भून के और हम बना लेते हैं। अब देखिए हम लेंगे एक अंडा ले लेंगे, अंडे में डालेंगे नमक, जीरा काली मिर्ची का पाउडर, अंडे का अच्छे से फैट लेंगे, चलिए तेल गरम करेंगे। और इधर कबाब अभी खाने जितने ही मैंने बनाए हैं, जैसे युहान को अभी खाना देना है तो मैंने युहान जितने ही कबाब चार लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। अच्छा शामी कबाब को तो एक स्टोरी है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम तेल गरम हो गया, इसे अंडे में डिप करेंगे। आप सादे भी बना सकते हैं, अंडे वाले बना सकते हैं, मैं हाफ हाफ करती हूँ, हाफ को अंडा को फ्राई करती हूँ, हाफ को सादे फ्राई करती हूँ। ये कम मिर्ची का मैंने बनाया है रिदा के लिए छोटा सा, क्योंकि वो भी खाएगी, थोड़ा तो खाएगी, इसलिए मैंने उसमें हरी मिर्ची नहीं डाली। हमारे शाम कबाब कितने अच्छे हो गए, चलिए मेरी छोटी सी रिदा शाम से नाच रही है, आज कबाब बनेगा, कबाब बनेगा, खाना वाना कुछ नहीं है, बस शाम से नाच रही है। चलिए देखिए
ये हो गई हमारी युहान की प्लेट तैयार। चलिए देखिए, पाव, शामी कबाब, हरी चटनी, प्याज, पुदीना, नींबू। चलिए अब आप भी ऐसा बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। और हमारे चैनल को कीजिए शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।